Hey guys, welcome to my YouTube channel Round of In. Today we have a great job opportunity coming from Infosys company. In this video, we will discuss all eligibility criteria, selection process and exam pattern. Please watch this video till the end and also share with your friend. Freshers are eligible and final year students are also eligible. So, Infosys ki update batau. Usse pehle main aapko batau ki bahut sare jobs abhi like jo jinki recruitment aayi thi, unki abhi apply date jo hai, wo active hai. Apply link active hai. So, yahan pe IBM ki aap dekh sakte hai. तो IBM की जो अप्लाइड लिंक है वो एक्टिव है. 2021 बैच, 2020 एंड 2019 बैच कोई भी स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. ये जो है वो ASC रोल के लिए नहीं है, ये वेब डेवलपर रोल के लिए है. सो यहाँ पे रोल चेंज है, ये अलग रिक्रूटमेंट है. सो बहुत अच्छी अपडेट है. यहाँ आप लोग जरूर अप्लाई करें IBM के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बल्क हायरिंग है. उसके अलावा आप लोग Amazon, Uber एंड Walmart के लिए अप्लाई करें. यहाँ पे Amazon के लिए वुमेन स्पेशल हायरिंग हो रही है. सो जो भी वुमेन्स स्टूडेंट है वो जरूर यहाँ Amazon के लिए अप्लाई करें, वहाँ जरूर आप लोग एग्ज़ाम दें. देन कॉग्निजेंट की भी बहुत ही मास रिक्रूटमेंट यहाँ पे हो रही है, होने वाली है. सो यहाँ पे 2021 बैच एलिजिबल है सिर्फ. सो 2021 स्टूडेंट कॉग्निजेंट के लिए जरूर अप्लाई करें. अगेन कैपजेनी टेक चैलेंज, सो कैपजेनी टेक चैलेंज के थ्रू आपको कैश प्राइज मिलेगा एंड बहुत ही अच्छी नंबर ऑफ ओपनिंग भी लेती है टेक चैलेंज के थ्रू. जो हैकाथॉन है कैपजेनी का, सो आप वहाँ भी अप्लाई करें, वो वीडियो चेक करें आप कैपजेनी टेक चैलेंज वाली. सो यहाँ भी सारे बैच के स्टूडेंट एलिजिबल है, कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं. एंड उसके अलावा भी कॉग्निजेंट की एक अलग दूसरी जॉब रोल के लिए रिक्रूटमेंट है, IBM की है. सो आप लोग प्लीज़ सारे वीडियो चेक करें एंड वहाँ अप्लाई करें, बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है. सो मैं इन्फोसिस की बात करूँ, इन्फोसिस की जो अपडेट आ रही है वो टेक्निकल प्रोसेस एग्जीक्यूटिव रोल के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव आई है, जिसकी जॉब लोकेशन पुणे है. सो अभी आपको वर्क फ्रॉम होम होने वाला है, सो बहुत ही अच्छी ये अपडेट है. मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जो आपका यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सो 2020-2021 बैच स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. आपने अगर BE/BTECH किसी भी ब्रांच में किया आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो. कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल कोई स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर सकता है. यहाँ जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, सो यहाँ पे जो आपका जॉब जो आपका डिजाइनेशन है वो टेक्निकल प्रोसेस एग्जीक्यूटिव है. यहाँ आपका सपोर्ट का रोल होने वाला है. इन सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ तो यहाँ जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कम्युनिकेशन एंड कस्टमर सर्विस स्किल्स से रिगार्डिंग होगी. सो आपको कस्टमर को यहाँ पर डील करना होगा. सो यहाँ पे आपका एक्टिव लिसनिंग एंड क्वेश्चनिंग, जो भी उनका डाउट होता है उसको आपको सॉल्व करना होगा. उनको सपोर्ट देना होगा आपका. डिस्प्ले ऑनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, क्विकली बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस विद कस्टमर, ये सब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ये सब आपका जॉब रोल होने वाला है. आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, वर्बल में भी रिटन में भी, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपका. हेल्पफुल होना चाहिए, पेशेंस आपको रखना होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कस्टमर आप किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन करते जाते हैं. सो आपका पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए उनको जवाब देने में या फिर कुछ सुनने में, उनके प्रॉब्लम सुनने में. कभी कभी कुछ इरिटेटिंग भी होते हैं, बट ये आपका उस टाइप का जॉब होने वाला है, कस्टमर सपोर्ट. सो आप इन सिंपल वर्ड आप BPO सर्विस लाइन बोल सकते हो. बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे स्टूडेंट के लिए जिनको कोडिंग नहीं आती है और एक अच्छे कंपनी में काम करना है, इन्फोसिस जैसे कंपनी में. तो क्योंकि यहाँ पे आपका पैकेज भी अच्छा होने वाला है, अराउंड 3 लाख आपको जरूर मिलेंगे मिनिमम. वैसे 3.5 लाख पर एनम यहाँ मिलते हैं इस जॉब रोल के लिए, बट मिनिमम 3 लाख मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं है क्या पैकेज आपका होने वाला है. यहाँ पे मैं बताऊँ कि उसके अलावा आपका एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको अच्छी होनी चाहिए. आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग इशू, आपकी जो भी थिंकिंग एबिलिटी है वो सब आपका अच्छा होना चाहिए. टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपको आनी चाहिए, आप कैसे कस्टमर को रिस्पेक्ट करते हैं, उसको कैसे आप सर्विस दोगे टाइम पे, ये सब आपका मल्टीटास्किंग क्वालिटी आप में होनी चाहिए. कंप्यूटर स्किल्स आपको आनी चाहिए, आपका जो जनरल सपोर्ट नॉलेज है वो आपको आनी चाहिए. ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको MS Excel की काम कमांड आनी चाहिए, उस पर आपको काम करने आना चाहिए. बेसिक कॉन्सेप्ट आपका नेटवर्किंग का होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है कोई भी कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए, कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करने के लिए. एंड आपका MS Office पे थोड़ा बहुत आपका नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है. अगर आपने BE/BTECH किया है किसी भी ब्रांच में तो ये सारी क्वालिटी आप में जरूर होगी, ये सारी स्किल्स आपको जरूर आती होगी. अगर नहीं भी आती है तो आप ये within 1 week आप ये सब सीख सकते हो. तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अभी जिनका भी जॉब नहीं हुआ है, जो जॉब ढूंढ रहे और जिनको कोडिंग नहीं आती है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए क्रिएट हो रही है. गुड न्यूज़ है, आप लोग जरूर यहाँ अप्लाई करें. इसकी अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की. यहाँ पे आपको अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई करना है इस जॉब रोल के लिए, एंड एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दे, क्योंकि इसकी लास्ट डेट मेंशन नहीं है, कभी भी एक्सपायर हो सकता है. सो प्लीज़ आप लोग एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, जो लोग भी इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल है एंड जो लोग भी जॉब ढूंढ रहे हैं इन्फोसिस जैसे कंपनी में जॉब करने के लिए.
So yeah, thank you and all the best.